हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड पार्ट करेंगे। हमने ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर्स और इनके बारे में देख लिया था। ये होती है मेनली ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर, जो हम आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता रहे थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको आगे का इस वीडियो का समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। जनरल स्ट्रक्चर उसमें हमने आपको बता दी है। तो ऑक्सीसोम में ये हेड होता है, ये स्टॉक होता है और ये बेस होता है। और ये ऑक्सीसोम्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ऑर्गेनाइज होते हैं। और एक्चुअल में एटीपी की फॉर्मेशन यहाँ से होती है, ऑक्सीसोम्स से होती है। तो आज हम नया टॉपिक, इसके आगे का पार्ट है जो, वो करते हैं कि हाउ इज एटीपी प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने सारी स्ट्रक्चर देखी है, शुरू से हम बोल रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे होती है? द प्रोटीन इन द इनर मेम्ब्रेन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमने आपको पुरानी जो वीडियो है उसके अंदर बताया भी था कि उसके अंदर ये, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी चेन। ये जो रेस्पिरेटरी चेन होती है और ये एंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ये सभी क्या है, हेल्प करते हैं एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। तो यही बात इन्होंने कही है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू दिस चेन, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स इज पंप्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। तो उस प्रोटीन चेन्स के थ्रू क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो आयन्स होते हैं या फिर हम जिनको प्रोटॉन्स बोलते हैं एक्चुअल में, वो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट बाहर की तरफ चले जाते हैं। So due to higher concentration of proton in the outer space, the proton tend to move into the matrix. अब जब बाहर की तरफ ज्यादा हो जाते हैं तो फिर दोबारा से क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, वो जनरेट हो जाता है। द हाई एनर्जी प्रोटोन मूव थ्रू द ऑक्सीसोम्स। बहुत सारे प्रोटोन्स जो होते हैं, जो हाई एनर्जी लेवल के होते हैं, वो ऑक्सीसोम्स के थ्रू मूव करते हैं। कैसे? वो बेस से क्या करते हैं, एंटर करते हैं और हेड से आउट हो जाते हैं। व्हेन दे अराइव टू हेड ऑफ द ऑक्सीसोम, दे यूज हाई एनर्जी ऑफ प्रोटीन टू ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। जब वो बेस से ऐड होकर ऑक्सीसोम के अंदर और हेड से निकलने की जब कोशिश करते हैं तो वो एनर्जी गेन करते हैं एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए। और वहां पर क्यों? क्योंकि उनको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एडीपी के साथ ऐड करना होता है, तभी क्या बनती है, एटीपी बनती है। सो द एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्रोटॉन मूव बैक इनटू द मैट्रिक्स डाउन देयर ग्रेडियंट फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अगर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही लगेगी तो फिर फायदा क्या है कि सेल को एनर्जी कहां से मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी अब कहां से मिलेगी एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के वाली एनर्जी, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहर की तरफ जनरेट हुआ था आउटर मैट्रिक्स, आउटर से अब मैट्रिक्स की तरफ जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट आ रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में को एडीपी के साथ ऐड कर दिया जाता है और एटीपी के फॉर्मेशन होती है। कहां पर होती है? एक्चुअल में ऑक्सीसोम्स के अंदर। और ऑक्सीसोम में भी अगर हम मेनली बात करते हैं तो उसके हेड रीजन के अंदर। फॉर एवरी पेयर ऑफ प्रोटोन दैट मूव इन टू द मैट्रिक्स थ्रू द ऑक्सीसोम, वन एडीपी इज सिंथेसाइज्ड। अगर एक पेयर, बात पेयर की हुई है, दो प्रोटॉन्स जाएंगे उसके लिए, दो प्रोटॉन्स जब एक ऑक्सीसोम के बेस में एंटर करते हैं और हेड से आउट जाएंगे तो एक एटीपी की फॉर्मेशन होगी। हेड इटसेल्फ एक्ट एज एंजाइम। जो ऑक्सीसोम का हेड है, हमने पहले भी कहा था कि वो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होते हैं वहां पर, तो वो खुद एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो वहां पर क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। This is the region mitochondria are called powerhouse of the cell. इसी वजह से सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। और एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कौन होता है, ऑक्सीसोम होता है। इट इज द ऑक्सीसोम वेयर द एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में ऑक्सीसोम के पास क्या होती है, एटीपी सिंथेस करने की प्रॉपर्टी होती है, और एक्चुअल में एटीपी के सिंथेसिस ऑक्सीसोम में होता है। ये देखो, दो प्रोटॉन आउटर से कहां जा रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, और मैट्रिक्स के पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स के ऊपर क्या है, ऑक्सीसोम्स हैं।
ये बेस है इसका और ये इसका हेड है और ये क्या है इसका स्टॉक पार्ट है। एफ नॉट पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एफ वन पार्टिकल्स यहाँ होते हैं, एफ फाइव एंड एफ सिक्स स्टॉक के अंदर होते हैं। तो जब दो प्रोटोन्स यहाँ से मूव करेंगे तो एडीपी के पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहां पर मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो दोनों को क्या है ऐड करवा दिया जाएगा और एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या रह जाता था, कुछ पार्ट ये जो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट था ये रह गया था कि माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन हुई थी, मैट्रिक्स नहीं हुआ था। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विच इज द लिक्विड एरिया एनसर्कल्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन कंटेन द सोल्युबल एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल विच कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द एसिटाइल कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस द CO2, H2 एंड द हाइड्रोजन आयंस। अब अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, और उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है वो एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें एसिटाइल को एंजाइम को CO2 और H2 और हाइड्रोजन आयंस के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। हाइड्रोजन आयन फिर रिड्यूस करते हैं किसको, NAD और FAD को, NADH2 और FADH2 के अंदर। बोथ ऑफ विच है ऑन हाइड्रोजन आयन टू रेस्पिरेटरी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस टू जनरेट रिच ATP मॉलिक्यूल। अब फिर बाद में फिर इन NAD और FADH2 से क्या है ATP का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन इन देयर मैट्रिक्स सिंगल और द डबल सर्कुलर और द डबल स्ट्रैंडेड DNA दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल DNA। मैट्रिक्स के पास ही डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, सर्कुलर DNA होता है, जैसा ही हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। तो लेकिन हम यहां पर इसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। और उसके साथ साथ राइबोसोम्स होते हैं 55S राइबोसोम्स। हमने जब राइबोसोम्स आपको पढ़ाए थे उसके अंदर बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वहां पर 55S राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम माइटो राइबोसोम्स भी बोलते हैं। सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज 10% ऑफ देयर प्रोटीन इन देयर ऑन प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी दैट दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। जब माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिर्फ अपने DNA को यूज करके और अपने राइबोसोम्स को यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के सिर्फ 10% ही जो प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंथेसाइज कर पाता है। एक बार हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये दिखाई नहीं दिया। तो वो क्या करते हैं 10% ही क्या है इसको सिंथेसाइज कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हमने स्ट्रक्चर देख ली है तो हम एक बार इसके फंक्शंस और जनरल जो एक आउटलाइन होती है वो देख देते हैं कि कहां पर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हमने देखा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, उनकी वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है और अंदर क्या है मैट्रिक्स होता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये सेपरेट द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। दूसरी सेल से क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जो साइटोप्लाज्मा है उससे अलग करके रखती है आउटर मेम्ब्रेन। अगर इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेस और द कीमोसमोसिस का प्रोसेस होता है। जो बीच का हमारा स्पेस रह जाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, उसके अंदर क्या है हाइड्रोजन आयन्स या फिर प्रोटॉन्स आयन है जो है उनकी कंसंट्रेशन को वो मेंटेन करके रखता है वहां पर, किसके लिए कीमो ऑस्मोसिस के लिए। कीमो मींस केमिकल, ऑस्मोसिस मींस फ्लो ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन करके रखता है। अब बात करते हैं हम क्रिस्टे की, क्रिस्टे क्या होते हैं ट्यूबुलर रीजंस होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और इंक्रीजिंग सरफेस एरिया होता है किसके लिए, फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए क्रिस्टे क्या है यूज होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है इंटरनल साइटोसोल लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो क्या करता है लिंक करता है रिएक्शंस को और क्रेब्स साइकिल की को कंप्लीट करवाता है। क्रेब्स साइकिल कहां पर कंप्लीट होता है मैट्रिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी का सिंथेसिस कहां पर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये जनरल स्ट्रक्चर थी इसकी। अब हम इसके एंजाइम्स की बात करते हैं कि कहां पर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे एंजाइम बोल रहे हैं हम तब से कि एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कौन से एंजाइम कहां पर होते स्पेसिफिक होते हैं।
ये नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपके नेट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, कि आप इनको मैच करवाओ कि आउटर मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फिर इनर में कौन से होते हैं। तो आपको ये याद करने हैं, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज, फैटी एसिड, कोएंजाइम लाइगेज, एनएडीपी, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंड द करनीन हाइड्रोक्सीडेज। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। आउटर कंपार्टमेंट का मतलब होता है बाहर की तरफ, एडिनाइल काइनेज होता है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेजेस होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स होते हैं, एटीपी सिंथेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, कार्निटिन, फैटी एसिड, एसाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम्स क्या है हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैलेट एंड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमारेज, एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स, वो सारे क्या है हमारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन को के लिए भी क्या है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, मैट्रिक्स के अंदर, और डीएनए ही के अंदर क्या होते हैं जीन्स होते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन के लिए भी एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये बायोसिंथेसिस आता है इसका, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोट्स इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोटोजोइक एगोन अप्रोक्सीमेटली 1.6 बाया, ये टाइम पीरियड है भाई, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को कि ये बाया क्या है, 1.6 बाया ये टाइम पीरियड है जिसको हम लार्ज स्केल टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। Prior to the origin of eukaryotes, all life on the earth was the prokaryotes, क्योंकि पहले prokaryotes बने थे उसके बाद ही eukaryotes बने हैं, तो prokaryotes के बाद ही eukaryotes बने हैं। तो अब हम बात क्या करते हैं कि leading hypothesis called the endosymbiotic theory is that eukaryotes arose a result of fusion of the archaean cells with bacteria, whereas in the ancient archaean engulfed an ancient aerobic bacterial cell. Endosymbiotic theory में ये कहा गया है कि पहले प्रो यूकैरियोट्स या फिर प्रो जो हमारे प्रोकैरियोटिक्स थे, उन प्रोकैरियोट्स ने क्या कर लिया है, इनके साथ जैसे ये एरोबिक बैक्टीरिया है ये इसके साथ में आकर फ्यूज कर गया है, और उसके बाद क्या है इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है इस तरीके से। इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, की जो प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत छोटी सेल थी, यूकैरियोट्स के अंदर आई, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को उसी के अंदर क्या कर लिया, सेटअप कर लिया है, और उसके बाद उनको क्या है, एक जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने अपने आप को क्लोरोप्लास्ट में चेंज कर लिया है, और जो नॉर्मल सेल्स थी उन्होंने अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज कर लिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास 70S राइबोसोम्स का अपने राइबोसोम्स का होना और अपना डीएनए होना, और जो डीएनए एक्चुअल में क्या करता है प्रोकैरियोट्स के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरीज के थ्रू क्या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डेवलप किए गए थे। तो ये देखो इसमें कहा भी गया है, फर्स्ट क्या बताया इन्होंने कि इनफोल्डिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्टर प्रोकैरियोट्स गिव राइज टू द एंडो मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डेवलप किया। इन्होंने क्या कहा, इन फोल्डिंग्स के थ्रू क्या बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, इसकी कवरिंग हुई। उसके बाद फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द एंसेस्टर यूकैरियोट्स कंज्यूम्ड एरोबिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर गए और उन्होंने अपने आप को चेंज करके क्या बना लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया है। सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट यूकैरियोट्स कंज्यूम द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उन्होंने अपने आप को क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए दोनों के लिए सेम थ्योरी बताई जाती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो उसकी यही एक रीजन है इसके अंदर, तो यही इन्होंने इसके अंदर भी बताया है। एंडोसिम्बायसिस के थ्रू क्या था, बैक्टीरियल सेल रिमेन विद इन द आर्कियन सेल इज दैट, ये सारी चीजें मैंने आपको से बता दी है, सिर्फ जिसको पढ़ना है एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा है नहीं। माइक्रोफॉसिल्स सजेस्ट करते हैं, एविडेंस सजेस्ट दैट यूकैरियोट्स अरोज समटाइम बिटवीन द 1.6 टू द 2.2 बिलियन ईयर्स अगो, द डिपेंडेंट ऑफ
For this ancient engulfed cell are present in the eukaryote cell today as mitochondria. तो जो माइक्रोफॉसिल्स को स्टडी किया गया था उसके एविडेंसेस के थ्रू यूकैरियोट्स थे जो वो इतने 1.6 और 2.2 बिलियन ईयर्स अगो ही बने थे. उससे पहले प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स को इंगल्फ किया गया था और उसकी वजह से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हुए थे या फिर डेवलप किए गए थे. ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से समझा दी है. तो अब इसके एविडेंस, अगर किसी ने कोई थ्योरी दी है तो उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या हैं, और ज्यादातर हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को ही मान रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन इसी से हुई थी. तो इसके फेवर में एविडेंसेस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का साइज जो है वो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल्स जितना ही है, बट दे आर लोकेटेड इनसाइड मच मच लार्जर यूकैरियोटिक सेल्स इंस्टेड ऑफ फ्री लिविंग. तो ये यूकैरियोट सेल्स जो होती हैं जिनके अंदर रहते हैं वो क्या है, साइज में बड़ी होती हैं. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का साइज किसके जैसा ही है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा ही है. माइटोकॉन्ड्रिया ईच हैव देयर ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना डीएनए है. देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन सर्कुलर क्रोमोसोम्स विद टिपिकल प्रोकैरियोटिक जीनोम एंड देयर जीनोम कंटेन जीन्स दैट आर वेरी सिमिलर टू द जीन्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक जीनोम. ये एविडेंसेस भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है और जीन्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए और जीन्स के जैसे ही होते हैं. उनके स्ट्रक्चर सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकते हम उसको, सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें वहां पर आने के बाद चेंज भी हुई है. माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, नंबर बढ़ा सकते हैं. द प्रोसेस दैट प्रोकैरियोट्स यूज टू रिप्रोड्यूस, ऐसा ही जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स भी क्या है रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट यूकैरियोट्स कैसे अपने आप को फॉर्मेशन करते हैं, माइटोसिस के थ्रू. वो बाइनरी फ्यूजन नहीं करते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू सेल्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं. इफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स द सेल्स हैज नो वे टू प्रोड्यूस न्यू वंस. अगर उनको हम बाहर निकाल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को यूकैरियोटिक सेल से बाहर निकाल देते हैं तो वो अपने आप को मेजर नहीं कर पाते, अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं. द इंस्ट्रक्शन टू मेक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियर जीनोम, दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट जीनोम. तो सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है उनको अपने आप को प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अपने जीनोम के पास प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं प्रेजेंट होती. मेम्ब्रेन कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सो मोर सिमिलर इन कंपोजिशन टू द प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन देन टू द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन. जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखाई दे रही है, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन के जैसे दिखाई दे रही है, ना कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के जैसे. तो ये सारे एविडेंसेस क्या है उसके फेवर में है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू ही क्या है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हुए थे. ये थ्योरी बहुत बार पूछी जाएगी, बायोजेनेसिस के नाम से भी पूछी जाती है और ये जनरेशन के थ्रू भी पूछी जाती है कि जनरेट कैसे हुए थे माइटोकॉन्ड्रिया. एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है, पहले हमने बता भी दिया है कि वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेमी ऑटोनॉमस. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी आता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू भी आता है कि वाई आर क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस. सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स अपने आप को रेगुलेट करते हैं. तो क्यों होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, एक्टिविटीज उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रेजेंट होती है. हमने नॉर्मली से बताते हैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं. तो वो खुद जो बन रहा है कि 10% जो प्रोटीन है उनकी फॉर्मेशन वो खुद के डीएनए से और खुद के राइबोसोम्स को यूज करके फॉर्मेशन कर लेता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, वो अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या है एबल है, तो इसलिए उनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट. अब बात करते हैं फंक्शंस की, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया का हम बताते हैं, दैट इज द प्रोड्यूस एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द मोलिक्यूल एटीपी, वन ऑफ द सेल्स एनर्जी करेंसी, जो एटीपी को यूज करते हैं सेल के अंदर. एनर्जी की फॉर्म क्या है, एटीपी है. तो उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है.
ये हमने आपको पहले बता भी दिया है और अब भी एक बार बता रहे हैं स्लाइड के थ्रू कि क्रिस्टे हैं। क्रिस्टे के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसके थ्रू क्या है, ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन पहले जाएंगे, यहाँ पर एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, उसके बाद दोबारा से ये हाइड्रोजन आयन्स हैं जो प्रोटॉन्स हैं ये ऑक्सीसोम्स के बेस से निकलकर और हेड की तरफ निकलेंगे, और जिसके थ्रू ये एनर्जी है जो यहाँ पर इसके निकलने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को यूज करके एटीपी कोई जनरेशन होती है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एटीपी सिंथेज एंजाइम्स के है ऑक्सीसोम के हेड को बोला जाता है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स जो होते हैं ऑक्सीसोम वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। सिंपलर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर सेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसेस्ड एंड टू प्रोड्यूस चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। इनके लिए हेल्प की जाती है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स के उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है और उनको चार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दी चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल। बाद में ये चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा उनका और ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में आल्सो प्रोड्यूस द हीट एंड एक्यूमुलेट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स दैट इज द हीम फेरिटिन और आयन्स ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फेटेस ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और जो योक प्रोटीन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इन सबकी कैल्शियम आयन को मेंटेन करके रखना, हीट प्रोड्यूस करना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स जो है हीम फेरिटिन है उसको वहां से ट्रांसफर करवाने में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो अकेले ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आयरन का मॉलिक्यूल आया है वो उसको हम माइटोफेरिन बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, इसके साथ फोल्ड हो जाएगा फेरस स्कैफोल्ड प्रोटीन्स के थ्रू और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस आयरन के मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है आयरन के मॉलिक्यूल को, क्योंकि आयरन का मॉलिक्यूल कभी भी अकेला ट्रांसफर नहीं होता है, उसके साथ साथ कोई ना कोई प्रोटीन्स जाता है, तो उसमें ये कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनली हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर हमने जब आपको एक स्ट्रक्चर इसकी बताई थी कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ भी बाउंड होती है, और क्यों होती है, क्योंकि वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते, कैल्शियम प्रेजेंट होते कैल्शियम आयन्स, तो उसको मेंटेन करने में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ये देखो नॉर्मल फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ हम बोन की स्ट्रक्चर भी आपको इसी के अंदर बता देंगे कि बाहर से कोई सिग्नल आया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और नॉर्मल बोन फॉर्मिंग सेल्स भी हैं और बोन रिजॉर्प्शन सेल्स भी हैं, जिनको हमने बोन फॉर्मिंग सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट और बोन डिफॉर्मिंग सेल्स होती है ऑस्टियोक्लास्ट। जब हेल्दी हैं तो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल में होती हैं कि इतनी ही सेल फॉर्म कर रही हैं और इतनी ही सेल बोन को डिफॉर्म कर रही हैं, तो हेल्थ है वो, मेटाबॉलिक डिक्लाइंस और ये सारी चीजें अभी नहीं है, नॉर्मल हेल्दी प्रॉब्लम हेल्थ है उसके अंदर, वो बंदा हेल्दी है तो उसकी बोन्स भी क्या होंगी, अच्छी होंगी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस जो मेटाबॉलिज्म के लिए दो सेल्स हमने बताई हैं आपको, ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो गया, यहाँ पर तो फंक्शनल था तो कौन दोनों सेल क्या थी, इक्वल थी, अब डिसफंक्शन हो गया है तो बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या है हमारी, कम हो गई है और बोन डिफॉर्मिंग सेल्स जो है वो ज्यादा हो गई है। दैट मीन्स ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन है उसको डैमेज करने का काम करती है, उसको कम करने का काम करती है, रिड्यूस करती है। तो अब क्या आ जाएगी हमें, एजिंग, और या तो एजिंग है कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तब हमारी हड्डियां क्या है, कमजोर हो जाती हैं, या फिर हमें कोई डिजीज है उसकी वजह से होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बोन की स्ट्रक्चर और बोन किसकी से मिलकर बनता है, कैल्शियम आयन से मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम का प्रोसेस कंप्लीट करवाना और बोन की फॉर्मिंग या डिफॉर्मिंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेगुलेट होती है। तो ये फंक्शन भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है। अब कैल्शियम की बात करते हैं हम, ये नॉर्मल देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है,
प्रेजेंट है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम आयन है और वो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को देता है, जो सारे प्रोसेस जो हो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल जो इसके मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है वो सभी क्या है नॉर्मल रेगुलेट हो जाएंगे। यहां से देखो अगर आप देख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आए, कैल्शियम आयन माइटोकॉन्ड्रिया के पास गए हैं, यहाँ पर नॉर्मल है कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो उसके अंदर नॉर्मल है। जब नॉर्मल होती है तो एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो एटीपी की प्रोडक्शन होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैल्शियम आयन का ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड हो जाता है तो सेल क्या है एपोप्टोसिस की तरफ चली जाती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल डेथ, सेल की डेथ हो जाएगी अपने आप से, वो अपने आप को खत्म कर लेगी सेल। तो जब खुद सेल अपने आप को खत्म करती है या फिर डेथ करती है दैट इज द एपोप्टोसिस। तो ये कैल्शियम आयंस भी क्या है इसकी हेल्प करते हैं इस सेल की एपोप्टोसिस के अंदर भी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कैल्शियम आयन को रेगुलेट भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड द हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन, इन सब की फॉर्मेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हेल्प करते हैं। लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए भी क्या है हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। जो साइकिल आता है हमारा ऑर्निथिन सिट्रोलिन का जो साइकिल होता है डीअमोनिफिकेशन का, वो क्या है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के अंदर होता है। ये देखो ये लीवर है, ये लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन हुआ, वहां से एसिटाइल को एंजाइम एसाइल कार्निटिन और ऑर्निथिन आया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद क्या हुआ उसका एसिटाइल को एंजाइम में सिट्रेट एंड द आर्जिनो सक्सिनेट हुआ, जो बाद में क्या है यूरिया लिपोप्रोटीन और बाइंड्रिक एसिड्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो यहां तक जो हमारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आए थे उनसे अमोनिया को रिलीज किया, उसका इफेक्ट कम किया, उसके बाद उसको यूरिया की फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा टॉक्सिफाई होता है एज कंपैरिजन टू यूरिया। तो अमोनिया का इफेक्ट कम कौन करता है लीवर के अंदर प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेनली लीवर और किडनी का काम होता है ये। लीवर में भी कौन करता है लीवर के अंदर लीवर सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड द प्रोग्राम सेल डेथ, ये हमने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर ये बताया है। ये एपोप्टोसिस या फिर सेल डेथ किस तरीके से होते हैं इसको रेगुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। Abnormal death of the cell due to the dysfunction of mitochondria can affect the function of an organ. Abnormal cell death जो apoptosis हुई है या क्योंकि mitochondria जब dysfunction या फिर function नहीं करता है तो cell अपने आप death की तरफ चली जाती है, उसकी वो अपने आप को apoptosis कर लेती है, कम कर लेती है, तो उससे भी क्या है cell के या फिर body के function है जो वो regulate होते हैं। ये देखो अगर mitochondria में कोई भी डिसफंक्शनिंग हो गई है, अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तो उसके अंदर साइटोक्रोम सी एसमैक ओएमआई एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर क्या है इंक्रीज कर जाएंगे और सेल क्या है एपोप्टोसिस की तरफ चली जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी डैमेज। तो ये सारे क्या है हमारे उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन है। एक समरी देख लेते हैं हम आपके लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या फंक्शन है। एटीपी को जनरेट करना, न्यूरोट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म करवाना, एपोप्टोसिस करना, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करना, हीम प्रोटीन है जो उनको सिंथेसाइज करना, कोलेस्ट्रोल का मेटाबॉलिज्म करना, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, पायरिडिन बायोसिंथेसिस जो होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर प्यूरिन और पायरिडिन होते हैं जो पायरिडिन सॉरी, तो उनका सिंथेसिस कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आरएनए एंड डीएनए का सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है, मोर देन 3000 जीन्स को कोड करता है, रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करवाता है, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करता है। जनरली ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं। बहुत सारे मैंने आपको अच्छे से सारे समझा दिए हैं विद दिस हेल्प ऑफ स्लाइड्स, जैसे फैट का मेटाबॉलिज्म और ये सब रह गया है, तो इनको आप याद कर लेना कि पायरिमिडिन के बायोसिंथेसिस वो भी क्या माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर ये क्या है इसकी फंक्शंस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट बता दिया है स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। किसी का कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।